3, 2, 1 पिले। अभी आया ना मजा पिले का? मजा आएगा ना? हाँ, वेस भाई ने बोला तो मजा तो आएगा ना। कैसे मजा आएगा? हाँ ये तो बात है। अच्छा गाइस, तो अब हम आ गए हैं, हमने क्या कहते हैं अपना सेट थोड़ा सा तब्दील किया और हम लेकर आ गए तनवीर भाई को भी, कि अवेस ने क्योंकि हमें बोला था कि वो सारा दिन तनवीर भाई के साथ होता है, अब बस वो रात में घर जाते हैं। तो मुझे बस तनवीर भाई से यही पूछना है कि यार सारा दिन अवेस के साथ करते क्या है? सारा दिन वीडियो बनाते हैं हम। फिर सारा दिन वीडियो? सारा दिन वीडियो भी बनाते हैं, कुछ ऐसी जगहों पे होते हैं इनको अकेले जाने नहीं देते। क्यों, कैसी जगहों पे जा रहा है ये आजकल? नहीं जैसे रोड्स वगैरह में ना लोग छेड़ते हैं, मैं साथ होता हूं तो नहीं छेड़ते हैं। अच्छा आप साथ होते तो नहीं छेड़ते, आप इसके बॉडीगार्ड हैं क्या? बॉडीगार्ड ही समझ लो। अरे आपने इसको वायरल किया और आप इसके बॉडीगार्ड हैं? फिर भी भाई है ना मेरा, कोई इसको छेड़ेगा मैं तो साथ होता हूं। दोस्ती कैसे हुई आपकी और इसकी? दोस्ती हम, मैं आशिक पठान है टिकटॉकर, वो भी। अच्छा अच्छा, हां हां, मैं वहां पर होता था बेसिकली, ये वहां पर आए मेरे पास आशिक भाई से मिलने के लिए। सही, मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम, ये शर्ट फाड़ने का ट्रेंड मेरा चल ही रहा था। अच्छा अच्छा, ये मैंने कहा इनको बैठ जाओ जरा, 3, 2, 1 प्ले कर देना। इसने कहा 3, 2, 1 प्ले, प्ले कह दिया और वायरल हो गई वीडियो। फिर आपने सोचा कि अब इसी के साथ शर्ट फाड़ूंगा अपनी? साथ ही फिर हम मिलके हो गए, साथ ही फिर मिलकर शर्ट फाड़ूंगा, मतलब पूरा दिन शर्ट फाड़ूंगा और अवेस के साथ। 1500 की शर्ट फाड़ता हूँ। 1500 की शर्ट है भाई, हमारे पीछे गरीब बहुत हैं लड़के, हमें खाना खिला दे। 1500 का मुझे फायदा भी होता है ना, मेरी वीडियोस वायरल होती है उससे, मैं 1500 की एक शर्ट से 2 वीडियोस वायरल कर देता हूँ, 20,000 मिल जाते हैं। 20,000 मिल जाते हैं आपको? पैसे मिलते हैं उससे? पैसे मिलते हैं। कहाँ से? टिकटॉक से? स्नैक वीडियो से। स्नैक वीडियो से? स्नैक वीडियो दे रहे हैं तो। अच्छा, यानी आपको पैसे मिलते हैं उसके 20,000 रुपए, यानी आप जितनी शर्टें फाड़ते हैं आपको उतने पैसे मिलते हैं। अच्छा, अगर आपको स्नैक ने भी पैसे देने बंद कर दिए तो YouTube पे आ जाऊंगा। YouTube पे आ जाएंगे शर्ट फाड़ने? हाँ वहाँ शर्टें फाड़ूंगा। शर्ट फाड़नी है लाजमी, पर लाजमी शर्ट फाड़नी है, पर बस सेलिब्रिटियों के साथ भी फाड़ी, नीलम मुनीर, हसन खान, फिरोज खान, सबके साथ मैंने खड़े होकर। तो आपने सब सेलिब्रिटीज के साथ शर्ट फाड़ी है? शर्ट फाड़ी है, मेरे अकाउंट में सबकी वीडियोस है। अच्छा, पता है कल क्या रहा है कि आपने सबके साथ शर्ट फाड़ी है, क्या हो रहा है? एक एक शर्ट दो तरफ से फाड़ता हूं, एक तरफ फाड़ दो उसको घुमा के फिर दूसरी तरफ से फाड़ो। वाह, ये अभी एक तीर पे दो शिकार। अभी तो कोई ऐसा इरादा नहीं है ना? नहीं अभी शर्ट ये गिफ्ट है ना, ये फाड़ देता हूं। अच्छा अच्छा, गिफ्ट है किसका? ये मुझे नीलम मुनीर ने दिया गिफ्ट। नीलम मुनीर ने दिए? अच्छा तो आप वो पहन के आ गए? हां वो पहन के आ। अरे नीलम बाजी, मेरी बहन है। अच्छा बहन है? हां बहन। सही सही, वरना आपके लिए मामला खराब हो जाता आज थोड़ा सा, क्योंकि सारा दिन तो आप अवेस के साथ होते हैं, फिर आप वैसे ही शर्टें फाड़ रहे हैं, फिर आप रात में घर जा रहे हैं सिर्फ, फिर आप जाहिर है भी आप नीलम बाजी नहीं बोलते तो, मतलब बहन आपकी नहीं बोलते तो मामला। मैं जब भी जाता हूँ ना इवेंट वगैरह होते, मुझे कहती है आप मेरे यहाँ पर आके साइड पे खड़े हो जाए मेरे साथ। अच्छा, शर्ट फाड़ने के लिए? नहीं, ऐसे साथ में खड़े करते हैं। अच्छा अच्छा, साथ में खड़े। सही सही सही, ठीक ठीक ठीक। अच्छा तो मतलब आप उसके बाद जब जी अवेस वायरल हुआ तो फिर क्या हुआ कि अच्छा अब अवेस से पैसा कमाऊंगा? नहीं, मतलब एक बात पूछ रही हूँ। नहीं, हमें जो मिलते आधा दे लेते। अच्छा, दो आधा आधा, कितना? इसीलिए तो मुझे छुपा रहे हैं कब से। अवेस ने मुझे बोला था कि ये भाई साहब पैसे नहीं कमाते हैं, और अभी ये मुंह छुपा रहा है, हाथ रहा है ये। नहीं, पैसे कमाते हैं, जो भी आता है हमारा पार्टनर ही आता है। अच्छा, फाड़ने से ही आता है? लेकिन वही शटे लाते हैं, प्ले करते हैं शटे। अच्छा, शटे वटे फाड़ के पैसे जो आते हैं वो आधा आधा होता है, आधा वेस का आधा आपका। तो तुम खुश हो पैसों में? और चाहिए, और चाहिए पैसे, और चाहिए। मैंने आज तक इस शो में किसी को टके एक रुपया नहीं दिया, तुम ये बोल रहे हो मैंने यार पैसे दूंगी? तुमने कहा था आईफोन मिलेगा। अच्छा, तुमने मुझे बोला मेरी आंखों में कशिश है और अब तुम मेरे से पैसे मांग रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूं, मैं सीरियस नहीं। पैसे नहीं चाहिए ना तुम्हें? बस सही है यार, जो हमने बात की थी ना हम ना, पैसे और आईफोन की, वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बस अब कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं ना, कैमरे के बाहर बात कर लेंगे। शो में नहीं बोलना चाह रहा है? हाँ मैं शायद, भाई कोई बात नहीं यार, फिर भी मैं तुम्हें एक रुपया भी नहीं दूंगी अब, आप तो तुम जाओ। कोई बात नहीं, कोई यार देखो लोग तुम समझो, तुमसे कमाएंगे हम पैसा, फिर तुमको देंगे हम पैसा, समझो तो ये बात होती है, कमाएंगे फिर देंगे पैसा। अच्छा तो अवेस का क्या, आपको ये जो एक अवेस का एक एक्सेंट है, एक बात करने का तरीका है, ये लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, तो आप भी क्यों इस तरीके से बात नहीं करते? कैसे? ये जैसे ये बात करता है पिल्ले,
और ये तुम मेरे को पैसा दो तो मैं भी पैसा कमाऊंगा, इसका अपना ट्रेंड है ना। अच्छा, तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं भी इसको इस चीज को पकड़ूं? हर किसी की अपनी एक वो होती है। हाँ। अभी इसका अपना एक ट्रेंड चल रहा है मेरा, अपना एक शर्ट फाड़ने का है, हर पत्थर अपनी जगह पे वजन। अच्छा, वाह, ओहो, क्या दोबारा बोलिएगा? हर पत्थर अपनी जगह पे वजन रखता है। अरे भाई, ये तो तनवीर भाई, मुझे लग रहा है ये तनवीर भाई आ गए हैं, भारी भारी बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे दो लोग हैं, उनके अब्बू का नाम है तनवीर। अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है भाई, इतनी एकदम आपने बात ऐसी गहरी कर दी ना कि वाकई बात सच है। सच, ये तो सच बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपने कहाँ तक मतलब पढ़ाई वढ़ाई की है, या जस्ट मैट्रिक किया? सही, मैट्रिक किया, यानी ये वो। और उसके बाद काम क्या करते हैं आप? मैं जिम ट्रेनर हूँ। जिम ट्रेनर है। जिम ट्रेनिंग में किस किस को आज तक ट्रेन किया है? वसीम अकरम को, फैसल कुरैशी को, बाकी वो सना फखर है। अच्छा, सना फखर। हाँ, बाकी फिटनेस ट्रेनर हूँ मैं, क्रॉसफिट का। अच्छा, क्रॉसफिट का। बी ए, वो सारी बॉडी को ना। बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अच्छा, मतलब आपने काफी ज्यादा मतलब ये कि फिटनेस की तरफ आपका एक है रुझान। आपको है। भी फिट करूंगा यार। अरे, इनको जरा हमारी वायरल वीडियो तो दिखाओ। आपको दो महीने में इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे फिट कर दूंगा। जी बिल्कुल, कर मेरे पास सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट है आपके पास? अच्छा, सही। आप तो ऐसे अच्छी वीडियोस बनाओ, कोई वायरल नहीं होती। तो आप मतलब किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है। हाँ, तो अवेस की कदर तो कर रहे हैं। ये टैलेंट नहीं है ना, मैं खुद बोल रहा हूँ, शर्ट फाड़ना कोई टैलेंट नहीं है। टैलेंट है थ्री टू वन पिल्ले यार। यार तो लग गई है लड़ाई। ये शर्ट फाड़ना भी कोई टैलेंट नहीं है। हाँ, पहले आपने अवेस का टैलेंट। नहीं, पहले आपने उसको बोला कि ये टैलेंट। मैं अपना भी कह रहा हूँ। नहीं, अपना तो आपने बाद में कहा, वो कवर लगेगा ना। पाकिस्तान में टैलेंट वाली वीडियो आप अच्छी सी बनाओगे, उस पर 500 व्यूज आपको नहीं आएंगे। कि शर्ट फाड़ दे तो मुझे 5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। ये बात तो वैसे सच है कि शर्ट फाड़। अच्छा काम करो, अभी मैं जिम की मैंने वीडियोस लगाई है, अच्छी ट्रेनिंग की कोचिंग करा रहा हूँ, उसमें मुझे व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। उसमें शर्ट फाड़ रहा, उसमें 5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। ये तो सर, ये बात हकीकत है। वैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है, कि अगर आप अच्छी वीडियोस बनाओगे। अब मैं अगर अवेस के साथ आज बातें करती बड़ी सीरियस किस्म की, तो क्या हमारी ऑडियंस उसको पसंद करती? नहीं करती, नहीं करती। उनको यही देखना है कि अवेस कैसे 3 2 1 कर रहा है। ये टैलेंट है, देखो ये टैलेंट है अवेस का। शर्ट फाड़ना भी टैलेंट है। यार तो लग गई टैलेंट की लड़ाई। नहीं, अभी मेरी अच्छा मेरी ऑडियंस को भी ना यही है कि भाई, अच्छा मैं अगर बात करती हूँ अवेस से कि यार तुम्हारी जिंदगी में कितने गम है, अब्बा क्या काम करते हैं, तुम कैसे पैसा कमाते हो, तो ऑडियंस तो कभी भी नहीं देखती। वो तो उनको चाहिए कि इसका यही क्रिंज टैलेंट। तो क्या है, आप ये ऑडियंस के लिए कर रहे हो या खुद के लिए कर रहे हो? ये भी ऑडियंस के लिए कर रहे हो। ये ऑडियंस के लिए कर रहे हो। वैसे आपको लगता है आपके अंदर एक और टैलेंट है? अवेस के अंदर कोई टैलेंट है? क्या टैलेंट है वो अभी बताएंगे नहीं ना, दबा दो। नहीं नहीं, दबा के दो, मुझे तो जानना है भाई, मुझे तो जानना है अवेस के अंदर क्या टैलेंट है। बहुत टैलेंट है, थोड़ी क्या? बहुत सारे टैलेंट। बहुत सारे क्या है? पानी की बोतलें भी उठा के ऊपर ले जाता हूँ। मजदूरी करेगा। मजदूरी टैलेंट? हाँ, तो करते हो ना तुम? नहीं करता, मजाक करूं। तो तुम पानी की बोतल, यार पानी की बोतल मंगाओ, अभी मैं अवेस से उठवाती हूँ बोतल। पहले करते करते थे तुम, यानी तुम पहले मजदूरी करते थे? क्या करेंगे, करना था ना, वो शौक था। वो शौक था, शौक शौक में करता था। हालांकि कितने 70 रुपए मिलते, 70 रुपए मिलते थे। हाँ। तो मतलब अब्बू के साथ कहीं जाते थे या खुद से? ऐसी वो अल्लाह के का था, तो वो मेरे को ऐसी पागल बना के ले जाते, मेरे को भी शौक था, मैं भी ये बोतलें उठा रहा हूँ। अच्छा, बोतलें उठा रहा हूँ। तो वैसे तुम्हारा दोस्त लेके जाता था बॉटल के लिए, तो तुम ऐसे ही जाते थे या पैसों की कोई कमी थी या कुछ था? ऐसे ही जाते थे, लेकिन वो खुद में 70 रुपए देता। हाँ, तो वो 70 रुपए के लिए जाते थे तुम? उस टाइम पे पैसे नहीं मिलते थे। अच्छा, घर से ही मिलते थे। पाँच छह साल पहले, उस वक्त तो ये तो 10 साल का होगा, 12 साल का होगा, 12 साल के 10 साल पहले, 12 साल का होगा ना, जाहिर 18 का अभी। लेकिन तुम्हारा तो CNIC नहीं बना हुआ। CNIC नहीं है ना मेरा। हाँ, तो अब हुए 18 के। सही सही, यानी 12 साल के थे तब तुम बॉटल्स उठाते थे। यानी अब्बा की वैसे कमाई कम थी या फिर वैसे ही तुम्हें मतलब पैसे नहीं मिलते थे घर से? नहीं, घर से पैसे शुरू में बहुत मिलते थे, फिर मैं गेमों में उड़ाता ना, गेम लाल गेम, डब्बू लाल गेम, लाल गेम नहीं होती, कौन सी गेम होती? अच्छा, पट्टी, सही सही, पट्टी। हाँ, उसमें उड़ाता था, घर वालों पैसे बंद कर दिए। ओ, तभी तो तुमने बोला बॉटल उठाओ और पैसे कमाओ, गेम। तो उसमें भी तुम गेम खेलते थे? डब्बू खेलते थे, कैरम बोर्ड बहुत अच्छा खेलता हूँ। अभी भी बहुत अच्छा खेलते हो? अभी भी कोई भी खेल ले मैं। अच्छा, अभी भी खेल रहे हो या छोड़ दिया? नहीं, अभी नहीं खेलता। अभी नहीं खेलते, अभी पैसे उड़ा नहीं रहे? नहीं,
तो अभी पैसे सेव कर रहे हो? जमा कर रहा हूं। तो अच्छा यार, मतलब कभी सोचा था कि ये अवेश मिल जाएगा जिंदगी में और ऐसे हम फेमस हो जाएंगे? नहीं नहीं सोचा था। सही, तुम तो नशे में क्यों लग रहे हो? मुझे तो ऐसे होते एकदम से, ऐसे क्यों जाते हो? मैंने ना अभी चाय नहीं पी। अरे चाय नहीं, आपने चाय नहीं पिलाई यार, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक दी थी हमने, चाय नहीं तो बोल देते। चाय पी रहा हूं, चाय यार, दिमाग अरे तुम बोल यार, चाय मंगवाओ यार, बोलो जरा जाके उस्मान भाई को, इसीलिए नींद में हो। शाम की चाय लास्ट में पीता, शाम की चाय। तुम्हें अभी चाय बिलवाते हैं और नशे से जगवाते हैं, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? तुम यार चाय पियो, कॉफी, बस पैसा नहीं मांगना। पैसा नहीं लेना है आपसे, लेना नहीं, 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 नहीं यार, नहीं यार, जिसने बोल दिया मोहब्बत में, मोहब्बत है यार, बिल्कुल मोहब्बत में आया वो, बिल्कुल मोहब्बत में आया। मेरी बात खराब लग रही है मुझे, कभी आंखों की तारीफें कर रहे हो ये कभी कह रहे पैसे भी नहीं चाहिए, कभी क्या। छोड़ दो बातें, छोड़ दबा दो हर बात को, इसके लिए दबा दो, ये दबा दो। अच्छा चलो यार, हमने सवाल तो बहुत कर लिए, ठीक है, और मैंने तनवीर भाई से भी पूछ लिया कि क्या तुम कैसे मिले, इनको क्या हुआ, और ये मुझे इनकी ये बात भी बड़ी अच्छी लगी कि यार ये फिटनेस ट्रेनर है, और लोगों को पता भी चल गया कि इनकी वीडियोस फिटनेस की होती हैं तो लोग नहीं देखते, सीधी सी बात है, हमारी आवाम को देखना ही यही है, तो वो देख ही यही है, वही बना रहे हैं, और अवेश को चढ़ाने वाली भी यही ऑडियंस है, तो तुम ही लोग हो, यही चीजें पसंद करते हैं वही बनाते हैं, तुम ही लोग हो जो पसंद करते हो, तुम ही लोग हो जो बोलते हो बुरा है यार, इतने अच्छे कंटेंट बनाते हैं, व्यूज ही नहीं आते, स्टोरीज व्यूज ही नहीं आते, स्टोरीयां इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीयां बनाते हो, नहीं आते? हां तुमने वो बहन वाली भी तो बनाई थी, वो चली है नहीं, मेरी स्टोरीयां बहुत चली है, लेकिन उसके मजाक उड़ाते हैं लोग, मतलब फेमस नहीं हुआ ना स्टोरीयां। अच्छा स्टोरीयों में फेमस नहीं, ज्यादा कोई पहचानते ही नहीं था, स्टोरीयां 5-5 मिलियन पे मेरी चली। अगर अपनी पहचान पाकिस्तान में बनानी है उल्टे काम, उल्टे काम ट्रेंड बनाओ, उल्टे काम तरीके से करो, ज्यादा उल्टे ज्यादा ही उल्टे। तुम भी तो शर्ट फाड़ सकते हो अब, जैसे भाई मैं शर्ट फाड़ता हूँ, जैसे अंदर शर्ट होती है, पूरा जिस्म शो नहीं करता हूँ, फैमिली देखती है। अच्छा अच्छा वो सही सही, तो तुम भी अगर इस तरह से शर्ट फाड़ने लग जाओ तो कोशिश की थी, नहीं फटी, तुमने तुमसे शर्ट नहीं फटी, नहीं फटी ना, जोर लगाया फटी नहीं, बहुत ताकत चाहिए उसे, बहुत ताकत चाहिए यार। आप फिटनेस ट्रेनर, सबसे पहले तो अपने साथ रहने वाले को ट्रेन करो, उसको ताकत दो, तो वो तो कह रहा है बहुत ताकत है, फिट करता हूं, मोटा थोड़ी करता हूं। अच्छा तो अच्छा सही फिटनेस सही ट्रेनर हूं मैं, नहीं तो थोड़ी बहुत तो इसको भी दो ना फिटनेस, सोच लिया, सोच लिया, यू देखा है ना, तो ऊपर से नीचे तक, वैसे भी पूरा दिन तुम्हारे साथ होते हैं ना, फिट करना तो बनता है पूरा दिन, रात में बीवी बोलती नहीं है, पूरा दिन अवेश के साथ होते हो, फिर रात में आते हो घर, मतलब हम मिलते 2 बजे है ना, अच्छा दिन, अच्छा दिन आपका घर पे होता हूँ सुबह, सही, और रात में वापस कब जाते हैं? रात को 2 बजे 1 बजे जाते हैं, 12 से 13 घंटे आप अवेश के साथ होते हो, आधा दिन बीवी नहीं बोलती कुछ, काम है ना हमारा, सही, बीवी यानी कुछ भी नहीं बोलती, वो सेटिस्फाई घर के सिस्टम चल रहे हैं, सिस्टम चल रहे हैं, घर वाली घर वाले, घर जब घर वाला दे रहा है मनी, हाँ। तो क्या बात है हनी, मतलब सब सेट है, सब है, सब सेट है ना, मतलब मनी तो आ रहा है, हनी तो सब सेट चल रहा है, बस हमने बस दिन में तो हम बाहर काम ही करेंगे ना। अच्छा हाँ, काम ये आपका काम है, आपको लगता है कि ये अब आपका काम है, सही है भाई, आपके मतलब आपका है कि आपके मतलब कि भाई यहाँ काम है, तो आपके मुताबिक जब एक चीज काम है तो आप उसको काम की तरह, अभी बीवी को क्या मसला है जब उसको मिल रहा है मनी, सही ठीक है, अब अवेश की आ जाएगी तो फिर देखेंगे क्या कहती है शहर, इंशाल्लाह। भाभी बहन आ जाओ बस अवेश की लाइफ में जल्दी भाई, नेक्स्ट भाई जिसको भी और अवेश की शादी देखती है कॉमेंट करके बताओ कि अवेश की शादी देखनी है, तो हम यहाँ पे बुलवा के पूरा एक शादी पूरी रचवाने वाले हैं, रियल शादियां, मजाक नहीं होगी, दूल्हा दुल्हन मनवा के लाएंगे और काजी भी लाएंगे, तुम लोग क्या समझ रहे हो, मजाक नहीं चलता यहाँ पे, यहाँ पे सच में शादी होगी, चाहिए शादी बता दो कॉमेंट, सही है। अच्छा अब हम चलते हैं अपनी गेम की तरफ, गेम में ना यार ये कि मैं तुम्हें एक सिचुएशन दूंगी, मतलब एक बनाऊंगी, एक बात बताऊंगी, तो आप दोनों ने एक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ लो एक ये बंदे हैं और एक ये बंदे हैं, और फिर आपको एक यार तुम कितने जहाज लेके आए हो आज, अवेश जहाज में जहाज उड़े जा रहे हैं, पता तो नहीं चले, मैं आया हूं तभी वो अरे पी आई ले, दोबारा करना है अरे यार मुझे चंपक चाचा याद आते हैं इसकी दासी देख के एकदम, ही इज वेरी क्यूट यार, वो बहुत अच्छे हैं सच है, अरे मैंने बोल दिया इसने, चश्मे वाले ना, हाँ चंपक मैं देखते थे उनकी, मिलता है ना ये थोड़ा बहुत, जो बोलती भी है वो भी अजीब से, दया पता नहीं कैसे बोलती है, दया भाभी,
देखा पता सब है इसको और ये बोल रही नहीं क्यों बोलेगा आता नहीं है उसको नहीं आता उसको नहीं अच्छा मैं सिचुएशन देने लगी हूँ सही है आप तीन डब्बे वाले सही है और गेम है ना यार तीन ऐसे नहीं तो यार अभी तो उन्होंने सिर्फ एक बात अभी तो हमने पता नहीं क्या क्या करना है तीन डब्बे अभी क्या क्या करने है तो तीन डब्बे ये ऐसे इतने मोहब्बत से कुछ क्यों देखता है मुझे इसका मामला थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है सबको मोहब्बत से देखता है वो नशे में है ना अभी तो नशे में नहीं है नींद में नींद में लग रहा नींद पूरी नहीं है ना चाहे में नींद पूरी हो जाएगी सही है चाय रेडी करो जल्दी अरे यार रेडी अरे चाय बन रही है भाई आपके लिए आप तीन डब्बे वाले हैं और आप सामान बेचने आए हैं सही है सामने आपके आपको ये बोल रहे 350 रुपए में मैं जो हूँ ना आप सामान बेच रहे हो अपना ठीक है लेकिन आप बोलते हो भाई मतलब ना आपको चाहिए 350 रुपए और आप बोलते हो मैं 300 से एक रुपया ज्यादा नहीं दूंगा सही है आप तो तीन डब्बे वाले हो वो आपको सामान दे रहा है हाँ वो सामान बेच रहा है पर आप बोलते हो कि मैं 300 रुपए से एक रुपया ज्यादा नहीं दूंगा और वो बोलते हो मुझे 350 चाहिए इसके अब आप लोग लड़ो आपस में लड़ो ये लो यही बेचता हूँ हाँ यही बेचो भाई क्या रे हाँ भाई कितने का बेच रहे हो ये 400 का 300 रुपए दूंगा भाई नहीं यार 300 रुपए तो बहुत कम है भाई नहीं 300 रुपए दूंगा भाई मुझे पसंद आ गया 300 रुपए थोड़ी यार नहीं भाई अभी बात होगी ना आपने मुझे दिखाया क्यों है एक काम करो इससे एक रुपया कम नहीं होगा 350 नहीं 300 रुपए 300 रुपए नहीं मुझे दिखाया क्यों मुझे पसंद आ गया 300 रुपए पसंद आ गया तो मेरे को देना ही नहीं है 350 में देना दो यार भी कम नहीं होगा नहीं भाई मैं तोड़ दूंगा तुम्हें नहीं दूंगा अबे भाईजान दे दो यार इधर नहीं मुझे पसंद आ गया नहीं चाहिए भाई यार 300 रुपए चाहिए देने तो दो गलत बात है कबाड़ी का पैसे होते ही है ना सब ले लिया ना सामान दो पीछे रखा सारा पीछे क्यों क्या हो गया ये क्या चीज है यार सही बोला ना पूछ भी है सही बोला क्या चीज है अल्लाह अच्छा उसको शर्म क्यों आ रही है ये लड़कियों से शर्म बहुत करती है अभी कौन सी लड़की है सब लड़कियां ही तो बैठी अभी देख थोड़ी रही है तो मैं चलो 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 अभी क्या था मेरे को सब लड़कियों से वो थम गया उसमें अल्लाह इतने क्या हो गया वेस भाई आपको सही नहीं किया आज सही किया चल रहे वो तुम्हारे चल रहे मेरे ऊपर ही आपने बोला कम नहीं देना 350 वो तो लेके चला गया तो तुम्हारा सामान वापस ले लिया तुमने अच्छा वापस सामान ले लिया सही है भाई सही है अब है आप दोस्त बनो ठीक है आप पैसे नहीं दे रहे आप बोल रहे हो मैं दो दिन बाद दूंगा पैसे मेरे पास पैसे नहीं और तुम्हारा अजीज कोई हॉस्पिटल में और तुम बोलो यार मुझे पैसों की जरूरत है मुझे पैसे चाहिए सिचुएशन हम ये बनाते हैं तुम्हें पैसों की जरूरत है ठीक है और तुम जाते हो तनवीर भाई के पास है तनवीर भाई मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे 3 लाख रुपए चाहिए तनवीर भाई बोलते हैं मैं तुम्हें कल दे दूंगा 2 दिन बाद दे दूंगा लेकिन मेरे पास 2 लाख रुपए हैं और तुम बोलते हो नहीं मुझे आज ही चाहिए मुझे डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना है सही है लड़ो जरा तनवीर भाई से तुम फुल सीरियस होके लड़ना सही भाई अस्सलाम वालेकुम ओके तनवीर भाई हाँ जी मुझे 3 लाख रुपए चाहिए 3 लाख रुपए जी क्यों तो एमरजेंसी
इमरजेंसी है, मेरे पास तो अभी नहीं है। मुझे आज के आज चाहिए क्योंकि मुझे ऑपरेशन करवाना है भाई। अभी अचानक बता रहे हो, मैं कल दूंगा तुम्हें, अभी मेरे पास नहीं है पैसे। कल नहीं, मुझे आज चाहिए भाई, मैं कल क्या करूंगा, जरूरत आज ही पैसों की, कल को मैं क्या करूंगा पैसों। यार अचानक से टपक पड़े हो बोलते अब सीरियस होना है यार। मैं सीरियस था, सीरियस हो सीरियस ही नहीं हो रहा भाई ये लड़का। क्या अचानक से टपक पड़े हो यार तुम, मेरे पास नहीं है पैसे, कल आना जाओ। अरे भाई आज ही चाहिए, आज मेरे को ऑपरेशन करवाना है, मैं कल क्या करूंगा पैसे, हॉस्पिटल में आज जमा करवाने भाई, आज की डेट है भाई। मेरे रात को तुम पैसे लेने आए हो, बैंक की बांधे मैं कहां से दूं तुम्हें। कहीं से भी करके दो, मेरे को 2 लाख रुपए भी दो। 3 लाख रुपए ये बंदा खुद ही भूल गया इसको कितना पैसे चाहिए। क्या 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 बात है यार, अभी मेरे को करके दो, कहीं से भी करके दो, अभी 3 लाख रुपए करके दो, कल मैं क्या करूंगा पैसों का। यार अभी तो मोबाइल है मेरे पास, पैसे तो नहीं है, मोबाइल भेज दो जाके। मोबाइल तो तुम्हारा है 30,000 रुपए का। नहीं आईफोन भी है। आईफोन भी है, फिर भी 1,20,000 रुपए होंगे, मेरे को चाहिए 3 लाख रुपए, हॉस्पिटल में जमा करवाने अर्जेंट। तुम्हें हुआ क्या हॉस्पिटल में? मुझे ऑपरेशन किस चीज के बाद? अपना बोल रहा है, मुझे अपना इलाज करवाना। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल में जमा कराना है, ऑपरेशन करवाना है। उसका करवाना है सही, किस चीज का? ये तो बताओ ना, किस चीज का करवाना है? ये पता नहीं क्या क्या बनता है, सुन पट्टी। अच्छा समझो, तनवीर भाई तुम्हारे टीचर हैं, सही है, और तुम उनके स्टूडेंट हो, वो आज टेस्ट लेने बैठे हैं और तुम्हें टेस्ट नहीं देना है, तुम उनको बोलो मुझे नहीं देना है टेस्ट, और तनवीर चलो तुमको टेस्ट देना पड़ेगा, तुम तैयारी नहीं करके आयो टेस्ट की, और तुम किसी तरह इनको कटाओ कटाओ। अब स्कूल के टीचर हैं देख के, और बात माना करो ना, अभी वो भूल के आया हूँ घर पे। क्या भूल के आया? जिस पे मैंने याद किया ना वो घर पे भूल गया। अच्छा तुम नकल करते हो? हाँ ना भूल गया हूँ वही बोल रहा जिस पे पर्ची हो रही है ना, भूल गया सीधे बैठो। चलो नकल थोड़ी टेस्ट उस पे लिख सकते हैं ना यार। हाँ, वो तो पर्ची घर से जो हाँ, वो जिस, जिस, जो जैसा हाँ, भी टेस्ट देता है ना। सर वो असल में ना घर पे भूल के आ गए हो टेस्ट। भूल के तो दिमाग में होता है ना, घर पे क्या भूल के आए हो, दिमाग से टेस्ट दोगे तुम? यार असल में पता है क्या है, मैं जल्दबाजी में आ गया ना, इसलिए जल्दी जल्दी क्या ना जल्दी में दिमाग से निकल गया टेस्ट। दिमाग से ही निकल गया। नहीं तो ये तो गलत बात है ना, वो तो याद रखना चाहिए ना, तुम्हें आज आना था, तुम्हारा पेपर था वो। अरे क्या कर रहे आपको बताओ सर, एक पान खा लेते याद रहता। ओ तो इतना वो तो अलग ही धुन में। हमें बादाम खिलाए गए थे, अवेश को पान खिलाए गए। अरे पान से, एक पान खा लेते याद रहता। पान से नहीं याद रहता सर, मैं जल्दबाजी में आ गया हूँ ना घर से, इसीलिए। तो जल्दबाजी में पेपर का, पेपर तो याद रहता ना, वो तुमने लिखना है जल्दबाजी में। इंशाल्लाह से कल कर लेंगे ना। पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ दिखाओ। वो पीछे रखा हुआ है पेपर, तो निकाल के घर पे बोलते हैं सर। अच्छा चलो सवालों के जवाब दे दो ना मुझे। सवाल पेपर में लिखो नहीं क्या है? 3-2-1 पिले का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। बता दो। 3-2-1 उल्टी गिनती। नहीं 3-2-1 उल्टा ही करता है ये, 1-2-3 क्यों नहीं करते? 1-2-3 मैं खुद नहीं करता। क्यों? बस मेरी मर्जी। तो फिर बताओ ना आवाम को, बताओ 3-2-1 कैसे होता है? 1-2-3 नहीं, 3-2-1 पिले। मजा नहीं आया। 3-2-1 पिल्ले। नहीं नहीं अभी भी मजा नहीं आया। 3-2-1 पिल्ले। एक और बार हो जाए। अभी छोड़ो पेपर नहीं दो बोले ना। पिल्ले। अरे जब पेपर मना कर दिया जितनी जितनी बार तुम्हें 100 out of 100 में से 100 मिलेंगे, अब दोबारा करके दिखाओ। पिल्ले। अरे VIP हो गया यार। अच्छा अब तुम समझो ये तुम्हारी लेडी बॉस है, लड़की है, सही अच्छा। है वो बॉस है तुम्हारी, तुम्हें उससे छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है, लेकिन तुम बता नहीं रहे बॉस को कि कैसे मनाना है। ठीक है मनाओ आप बॉस को। हाँ थोड़ा सही कर गया। मैडम वो बॉस नहीं है। मैडम बॉस कुछ भी हो जाए यार, खैर चलता है। मैडम है, लेडीज है ये। लेडीज है ना।
तुम लाइन दे रहे हो मांग रहे हो सच में यही लग रहा है कि लाइन मार रहा छुट्टी नहीं मांग रहा टीचर क्यों अरे क्या बोल रहे हैं मैडम जैसे बस जॉब करते हैं ओके ओके मैडम जी अभी मेरे को छुट्टी चाहिए अर्जेंट एक काम से जाने कौन सा काम है वो असल में ना एक दोस्त है उसका एक्सीडेंट हो गया उसको हॉस्पिटल लेके आने जी दोस्त है सच में बात कराना जरा हॉस्पिटल वालों से और फिर मोबाइल मेरे पास नहीं है आपको तो पता है नहीं ऐसे थोड़ी छोड़ूंगी मुझे तो पता चले ना फिर मैं नहीं मैं सही बोल रहा हूँ एक्सीडेंट हुआ तो मुझे पता चला मैं फिर भी स्कूल आया था मैंने कहा आपसे छुट्टी मांग लूँगा छुट्टी चाहिए कहीं लड़की वड़की को माना नहीं ले जा रहे लड़की का तुम नहीं छेड़ोगे ना नहीं छेड़ छेड़ सकते हैं ना हाँ लड़की मड़की नहीं लड़की मड़की से दूर है तुम्हारी आजकल वीडियोस भी वायरल मैंने देखी हैं चल रही हैं नेट पे वही तो चक्कर नहीं है कहीं नहीं नहीं वो चक्कर नहीं है मुझे तो वही लग रहा है नहीं नहीं बिल्कुल भी वो नहीं और दोस्त का एक्सीडेंट हो गया उसके आधे टांग में ना पूरा चोट आ गई है हॉस्पिटल में लेके गए उधर जाने तुम डॉक्टर हो गया डॉक्टर नहीं हो तो मेरे को लाजमी जाना है ना इसलिए बोलो हाँ क्या बोलते हो जाओ अरे अरे यार हर बात के बीच में मुस्कुराहट आ जाती है हर एक्ट में क्या है हर एक्ट में गाइस इसका अच्छा एक रोने वाला एक्टिंग से करो बड़ा अच्छा रोते हैं हां रोता है अच्छा है यार तुम समझो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ठीक है और ये तुम्हें छोड़ के जा रही है अब तुम इसके सामने रो के इसको बोलो मत जाओ मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा गर्लफ्रेंड भी तो बैठा फीलिंग नहीं आएगी ना वाली है ना फीलिंग चाहिए सुनाई भाई एक्टिंग कर रहे हो शहर है तो क्या अभी मैं वायरल हो गई अभी मेरा हक बनता है दूर जाने का प्लीज यार ऐसे नहीं करो यार कैसे करूंगा नहीं मैं वायरल हो गया मेरे 1 मिलियन फॉलोअर होंगे तुम्हारे अभी तक 4 लाख फॉलोअर है तो क्या हो गया तो फेमस तो मैंने ही किया ना यार तो क्या है प्लीज नहीं जा यार प्लीज नहीं नहीं मैं जा रही हूं भाई मैं किसी और से प्यार करती हूं ठीक है चले जाओ सबसे अच्छा भाई ठीक है चले जाओ मैं भी फेमस हूं मैं दूसरी पटा दूंगा समझ रही हो हां दूसरी फेमस कर लेगा कह रहा है मैं दूसरी पटा दूंगा अंत था तेरे लिए है क्या था तेरे लिए छोटा सा वो था वो क्या पैगाम था नहीं वो ही बोलो जो बोला था थोड़ा छोटा सा अंत था आपके लिए भाई समझ रही है ये पैगाम था कि ये जला जाएगा कहीं भी छोड़ के नहीं जाना वरना किसी और को फेमस कर देगा हाँ ये किसी और को कर देगा और आजकल लड़कियां भी इसके पास बहुत आ रही हैं बहुत है माशाल्लाह अरे यार ये भाई हमारे भाई आज अवेश तुम ये बताओ तुम्हें हमसे मिलके कैसा लगा आपको मजा आया ना हंसी कितनी हंसी आई देखो यार हम तो हंसमुख मिजाज लोग हैं हम सबके साथ ही हंसते हैं इतना नहीं हंसी होगा जितना मैंने हंसा आज तो है वाकई गाइस ये बात सच है वीआईपी हो गया पब्लिक मेरे साइड में वीआईपी हो गया वीआईपी हो गया यार अवेश भाई आए और कुछ वीआईपी ना हो अरे नहीं मुझे भी बात करके तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा लगा बड़ा मजा आया और सबसे अच्छी बात कि हमारे यूटी शो पे पहली दफा यार मतलब कोई ऐसा गेस्ट आया जो वीआईपी है यार मतलब तुम्हें पता है तुम कितने बड़े कोई तो सेलिब्रिटी बन गया सेलिब्रिटी हो तुम थोड़ा ताओ आओ में बैठो नहीं शर्ट फाड़ने का काम तो आपका है ना मैं नहीं फाड़ता हूँ भाई नहीं क्या थोड़ा वैसे बैठो सेलिब्रिटी वाली फील लो तुम सेलिब्रिटी हो भाई कुश्ती लड़ने आ गया कुश्ती कल को पता चला अवेश को बुला रहा है भाई अगर तुम्हें कोई बड़ा सेलिब्रिटी इंटरव्यू के लिए बुलाता है क्या होगा एकदम क्या तुम्हारे तासुरात होंगे ये सरफराज ने कॉल किए मुझे अच्छा सरफराज ने सरफराज की कॉल आई है सरफराज ने क्रिकेटर कॉल कर रहे हैं बोलते प्ले सुना दो हमें एक बार अरे वाह भाई सरफराज भाई ने बुलाया सरफराज भाई ने उमर अकमल उसकी कॉल आई है उसने बात की मैं से बोलता भी बहुत जल्दी आके आपसे कराची में आएंगे हम मिलेंगे साथ अच्छा तो सब अपनी क्रिकेट टीम में भी कह रहे हैं हम यही 3-2-1 प्ले कर रहे हैं सब क्रिकेटर जो देख रहे हो तुम कहां चल गए हो अब बस
मैंने कल एक वीडियो भी देखी, एक अंग्रेज भी बोल रहा है 3-2-1 पिले, फेसबुक पे मीम है 3-2-1 पिले अंग्रेज। हाँ तो तुम यानी इतने वायरल हो रहे हो ना, नोट छापने का प्लान है तुम्हारा ठीक ठाक, यूट्यूब शूट्यूब पे आ रहे हो? यूट्यूब पे आ गया हूँ, मेरा चैनल है अपना है। चैनल है तुम्हारा अपना? हाँ, अभी चैनल आ गया यार। अवेश भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो तुम? सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो? घंटी घंटी भी दबाओ क्योंकि मेरी वीडियो आती रहे, लोगों को पता चले। हाँ ना, और तुम क्या यही रखोगे, और भी कुछ लाओ ना यार, ये पिल्ले के अलावा और भी कुछ ट्रेंड में लाओ। कुछ लाया हूँ यार, शादी वाला लाया था, एयरपोर्ट पैदल, सेवन पैदल, कितनी चीजें लाए थे हम लोग, कितना लाए यहाँ से कराची सेवन पैदल गए थे हम लोग। माशाल्लाह से इस टाइम पे हम ही तो कर रहे हैं ड्रामाबाजी, और कोई नहीं कर रहा है। तो यहाँ से पैदल सेवन जाना ड्रामाबाजी है? नहीं मतलब हम लोग जा रहे गाड़ी में थे। अच्छा, खुद ही फॉल खोल दी लड़के ने। अच्छा आप गाड़ी में गए थे, जगह के शोल ले रहे थे हम लोग यहाँ से कराची एयरपोर्ट तक पैदल गए, मेरा पासपोर्ट चोरी कर लिया इसने। यहाँ से फिर दुबई तनीर भाई जाते हैं, ये बड़ा हमारा ट्रेंड चला है माशाल्लाह। अच्छा आप पैदल जाके नहीं, ऐसी शो में दिखाता था पैदल जा रहा, जा गाड़ी में रहा था ये। गाड़ी में पैदल कौन जाते, रास्ते में हमारे मोबाइल ही छीन जाते सेवन से पहले। अच्छा सही है, एक बार बस आखिरी बार हमारे शो को ना एंड करते हैं तुम्हारे बलोची में पिल्ले के साथ। 3-2-1 स्टार्ट विद। क्या था स्टार्ट? तो इंग्लिश में आ गया स्टार्ट विद, मैं उसमें भी आ गया। हाँ है, इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये चालू हो गया, रेडी चालू हो गया यार, वही वाले एक्सेंट में बोलो ना, मजा नहीं आया। अल्ले अल्ले भाई, गाइस मैं कह रही हूँ इस शो से आप सबको बाय बाय। मैं इसके बाद तो यार वाकई मैं अवेश इसके बाद तो किसी के गेस्ट के साथ मुझे खुशी होगी ही नहीं। मेरी चाय भी आ गई है, बस हमारी प्रोड्यूसर साहिबा तुम्हारे लिए। अच्छा हमारे प्रोड्यूसर ने आज तक किसी को इतनी इज्जत नहीं दी जितनी तुम्हें आज इज्जत देनी है। तुमसे मोहब्बत इतनी है, बस क्या, तुम हो ही इतने अच्छे यार, क्या करें। बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छे। अच्छा हूँ नहीं हूँ? हाँ हो तो अच्छे, ओके हो ना? नहीं यार बंदा तो अच्छा है, हसमुख है, अच्छा हंसाने वाला बंदा है। घर पे बस जाके तुम्हें छितर वितर पड़ने वाली, क्योंकि अब्बा को शपाटर बोल दिया है तुमने, और तुम तो बहू बना के ले आए हो। वो बातें दबा देना, काट देना। क्यों दबाए क्यों काटे अब्बू? नहीं इसने बोला अम्मा बस मानेगी, पर अब्बा ऐसे शपाटर है मना लेंगे। हाँ बनी बहू या अम्मी, क्योंकि अब्बा है अवेश के शपाटर। ये क्लिप निकाल के सोशल मीडिया पे चल जाओगे। चलो बस ठीक है, अब हम हो गए वायरल, अब निकाल के चला, खुद ही बोल रहा डर गया। अभी ये भी इंटरव्यू वाली ना, ये मीम्स में चल रही होगी ना। तो पता है सबसे ज्यादा मुझे किस चीज का डर है, आए आए जो मुझ पे मीम्स बनने वाली है, बनने वाले मीम्स, मीम्स बनने वाली है। जाओ भाई बनाओ, जो कर सकते हो करो, हम भी करेंगे। 3-2-1 इसी के साथ गाइस देखते रहिएगा द यूटी शो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, एंड क्या करते हैं यार वो, क्या क्या चीजें करते हैं भाई? नहीं नहीं नहीं, बलोची में तो होगा। 3-2-1 चालू बिट। नहीं वो तुम्हारा वो नहीं आया, ये वाला करो। अल्ले मुझे तुमने बोला था। 3-2-1 अल्ले। ओके बाय गाइस।